नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। बाढ़ हो या फिर हो सुखाड़, जाम हो या युवा बेरोजगार, कभी कृषि की कभी शिक्षा की समस्याओं में डूबा रहा बिहार। चुनाव विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, जनता प्रत्याशियों से हमेशा आस लगाए ही रखती है। सीधी सी बात है कि जनता विकास चाहती है। आज हम बात करेंगे नाथनगर विधानसभा की, जहां विकास की रफ्तार काफ़ी धीमी है। यहां के कई ग्रामीण क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कई क्षेत्र बाढ़ की त्रासदी को झेल रही है तो कई क्षेत्र सुखाड़ की समस्याओं को। हालांकि भागलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज इसी क्षेत्र की पहचान रही है। मौजूदा विधायक लक्ष्मीकांत मंडल है, जो 2019 के विधानसभा उपचुनाव से राजद उम्मीदवार राबिया खातून को हराकर विधायक बने हैं। उससे पूर्व जदयू के नेता अजय मंडल नाथनगर विधानसभा पर कार्यरत रहे हैं, मगर उस समय जदयू महागठबंधन में शामिल था। नाथनगर विधानसभा इस बात से भी काफी चर्चित रहा है कि महिला प्रत्याशी रही स्वर्गीय सुधा श्रीवास्तव 5 बार विधायक के रूप में चुनी गई है, तो जनप्रतिनिधि के इतने लंबे कार्यशैली के बावजूद यहां की जनता विकास को लेकर मायूस ही रही है। 2020 विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार के साथ साथ नाथनगर विधानसभा में भी धूम मची हुई है, जहां कुल 26 प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन करवाया है। राजद की ओर से अली अशरफ सिद्दीकी चुनावी मैदान में उतरे हैं और विधायक लक्ष्मीकांत मंडल एक बार फिर विधायक बनने के लिए खड़े हैं। इधर भाजपा से अशोक कुमार आलोक और लोजपा से अमर सिंह कुशवाहा चुनावी लड़ाई में टक्कर देंगे। प्रत्याशियों के चुनावी लड़ाई में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। नाथनगर विधानसभा में भी 3 नवंबर को चुनाव होना है, जहां जनता इन सभी प्रत्याशियों के तकदीर का फैसला करेगी। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।